वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे केसरिया पुलाव, या फिर इसे केसरिया भात भी कह सकते हैं। केसरिया पुलाव बनाने के लिए हमें लगेगा एक कटोरी बासमती चावल, उसके साथ आधी कटोरी शक्कर और थोड़ी सी मिश्री। यहाँ पर हमने एक टेबल स्पून कटिंग मिश्री ली है। यदि आपके पास डल्ले वाली मिश्री हो तो आप वो भी ले सकते हैं। हम केसरिया भात बना रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले हम केसर के धागों को गर्म दूध में भिगाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। चावलों को फ्राई करने के लिए हम लेंगे आधी चम्मच मोटी सौंफ, एक तेजपान का पत्ता, दो चक्रफूल, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्ची और 2 छोटी इलायची। हरी इलायची को हम पूरा नहीं छीलेंगे, थोड़ा सा मुँह खोल देंगे जिससे कि इसका फ्लेवर चावलों में अच्छी तरह आ जाए। यदि आपके पास सारे गरम मसाले ना हो तो केवल सौंफ और लौंग से भी फ्राई कर सकते हैं, परंतु इन सारे मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावलों में। तो आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावलों को 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। इसके लिए आपके घर में जो भी चावल हो आप ले सकते हैं, लेकिन पतले और डेलिकेट चावल बिल्कुल नहीं लेना है। यदि आप अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल लेंगे तो पुलाव बहुत अच्छा खिला खिला बनेगा। अच्छी तरह धोने के बाद चावलों में पानी डालकर उन्हें आधे घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। आज हम बहुत आसान तरीके से कुकर में पुलाव बनाएंगे। तो कुकर में 1 टेबल स्पून घी डालकर उसे गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म होगा उसमें हम सौंफ डालेंगे और एक एक करके सारे गरम मसाले जो हमने लेके रखे हैं वो डाल देंगे। 1-2 मिनट इन्हें चलाएंगे और फिर इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और 1-2 मिनट तक इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम रोस्ट कर लेंगे। भीगे हुए चावलों का पानी निथार देंगे और उन्हें भी हम कुकर में डाल देंगे। हल्के हाथ से चलाते हुए इन चावलों को 3-4 मिनट तक घी में अच्छी तरह सेंक लेंगे। अब जिस कटोरी से नापकर हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं उसी कटोरी से नापकर 2 कटोरी पानी डाल देंगे। सभी के चावलों की क्वालिटी अलग अलग होती है, इसलिए आपके चावलों में जितना पानी लगता हो, चावलों से डबल या उससे थोड़ा कम जितना लगता हो उतना डाल दीजिए। अब इसमें 2 चुटकी नमक भी डालेंगे। नमक डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पता भी नहीं चलता है कि हमने नमक डाला है। 1 टेबल स्पून किशमिश डालेंगे। चावलों को 5-6 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, मतलब कि चावल थोड़े से पक जाएं, फिर उसमें हम केसर वाला दूध मिला देंगे और साथ ही शक्कर और मिश्री दोनों मिला देंगे। शक्कर पिघलने लगे उसी टाइम पे उसमें हम कलर भी मिला देंगे। यदि आपके पास केसरिया या पीला कलर ना हो तो आप इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी पुलाव का कलर अच्छा आ जाता है। सभी को अच्छी तरह मिला के हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 सीटी आने तक पका लेंगे। 1 सीटी हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे, तब हम इसे खोलेंगे। देखिए चावल बहुत अच्छी तरह पक गए हैं। इसे हम छोटे चम्मच या फिर सरिये की डंडी से चला लेंगे। पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तेजपान का जो पत्ता दिख रहा है उसे निकाल कर अलग कर देंगे। केसरिया पुलाव बनकर तैयार है। आइए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के बाद बचे हुए चावलों को हम हॉट पॉट में भर के रख लेंगे जिससे कि वो गर्म बने रहें। यदि हम खुले हुए चावल बनाते हैं तो कभी वे कच्चे रह जाते हैं या फिर वे कभी ओवर कुक हो जाते हैं। कुकर में बनाने के बावजूद भी चावल खिले खिले बहुत अच्छे बने हैं।
यदि आप भी मेरे पुलाव की तरह परफेक्ट पुलाव बनाना चाहते हैं तो मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।